हाय एवरीवन आज के इस वीडियो में हम उस कॉलेज की बात करेंगे जो इंडिया के सबसे वन ऑफ द टॉप टेन अमेजिंग कॉलेजेस है जो सबका सारे एम और कैट स्टूडेंट्स का एक ड्रीम कॉलेज भी है ये वो कॉलेज है जिसके लिए लोग आई एम अहमदाबाद बैंगलोर कैलका छोड़ छोड़ के भी इस कैंपस और इस फिल्माइस में पढ़ना चाहते हैं विल सी द रीजन्स वाई डू पीपल स्विच फ्रॉम आई एम सू टू एफ एम एस विल सी अ डेटेड ओवर व्यू अबाउट द थिंग्स विच वी शुड नो बिफोर यू इवन अप्प्लाई फॉर एफ एम एस नॉ वाई वी आर सो मच ऑन एफ एम एस क्योंकि एफ एम एस कुछ ऐसे चार पाँच कॉलेजेस हैं इंडिया में जिसमें से एक एफ भी आता है एस पी भी आता है एम डी गुड़गांव भी आता है जिनका रजिस्ट्रेशन जिनका एप्लीकेशन डेट कैट एग्जाम से पहले ही ख़त्म हो जाता है स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि पहले मैं कैट दे दूं रिजल्ट आ जाए फिर मैं कॉलेज के लिए अप्लाई करूँ ना नो no. कुछ ऐसे प्रस्टिजियसविली कॉलेजेस हैं इंडिया में जिसमें से एक एफएमएस भी है जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन पहले से ही एप्लीकेशन पहले ही फुलफिल करना पड़ेगा इवन बिफोर द कैट एग्जाम

इट्स वो पहले से सोच के रखते हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं किस कॉलेज में अप्लाई करूंगा किस कॉलेज में अप्लाई नहीं करूंगा कैट में मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर कितने आ रहे हैं उसके पीछे से मेरा स्कोर कितना होगा और ये प्रेडिक्टेड स्कोर मेरा कौन कौन से कॉलेज में एक्सेप्टेड होगा ये सारी चीजें आपको अपने प्रिपरेशन जर्नी में ही आपको पता चलेगी अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऐसा नहीं कि पांच सौ छह सौ सीट्स हैं इस कॉलेज में अराउंड अबाउट एक्जैक्टली टू फिफ्टी वन सीट्स हैं ढाई सौ सीट्स हैं इस कॉलेज में ऑब्वियसली oh, ये वो कॉलेज है जहाँ पे आपके पास बहुत सारे रिजर्वेशन है आ, भी आपके पास ओपन होंगी यहाँ पे बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हर स्टूडेंट देखना चाहता है आज के डेट में वो ये है कि बताओ यहाँ पे एफ में जाने के लिए कैट का स्कोर क्या लगेगा क्या मेरा प्रोफाइल है क्या उस लेवल का जहाँ पे मैं एफ एम में सिलेक्ट हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता ये सारी चीज है तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वो है सिलेक्शन क्राइटेरिया की ऑन वॉट बेसिस स्टूडेंट्स गेट सिलेक्टेड वो ऑफ रिटर्न द कैट एग्जाम सो ओवरऑल हर एक कॉलेज तो में जहाँ भी जाओगे वो तुमको कंपोजिट स्कोर ही देते हैं आप कंपोजिट स्कोर में होता क्या क्या है आपका कैट का एग्जाम का बेटेज आएगा आपका जो टेंथ ट्वेल्थ एकेडमिक्स का बेटेज है, है वो आएगा वर्क एक्सपीरियंस का बेटेज आएगा अगर आपका जेंडर डाइवर्सिटी अकेडमिक डाइवर्सिटी है वो पॉइंटर्स आएंगे जी जी डी पी आई के पॉइंटर्स आएंगे इन सबको मिला के हम एक स्कोर अगर हम ध्यान से पढ़ें

तो get some point. अगर आपका सेवेंटी फाइव एंड अबोव है तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे लाइफ वाइज क्लियर सो टेंथ एंड ट्वेल्थ के जो पॉइंटर्स हैं उस पर आपको वेटेजेस मिलते हैं आपके परसेंटेजेस के ओके डिपेंडिंग ऑन आपके कितने मार्क्स और क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ में उसके बाद आता है आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आइज साइड जैसे मैंने आपको बोला कि ये वो कॉलेजेस है जहाँ पे आपको एप्लीकेशन पहले ही देना पड़ता है कैट से भी पहले तो यहाँ पे एस पी में एम डी आई गुड़गांव में ऐसे टॉप कॉलेज में आपको अपना एस पहले ही देना पड़ता है एंड एस ओ पी इज नॉट सिंपल जाग इन बीस लैंग्वेज के डिटेल्ड ओवर व्यू ऑफ स्टोरी टेलिंग हॉट कॉन्ट बी टू शो केस वॉट द कैंडिडेचर ऑफ द स्टूडेंट इज ऑल अबाउट सो दैट यू बिकम एक्सेप्टेड फॉर एटीस जी डी पी अराउंड मतलब एस ओ पी ही खराब लिखा तब तो वहीं निकल जाओगे तुम तो टेन परसेंटेज ब्रिटिश तो आपका यहीं जाता है एंड इट ऑस रियली ऑफ कंसर्न

टू फिफ्टी वन इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स विच आर अवेलेबल विद एफ एम एस उसमें से जो जनरल सीट्स हैं वो हैंस्ट फिफ्टी परसेंटेज थोड़ा कम विच इज अराउंड अबाउट हंड्रेड एंड वन सीट्स एस सी के लिए थर्टी वन थर्टी सेवन सीट्स एस टी के लिए नाइनटीन सीट्स ओ बी सी के लिए बहुत ज्यादा सीट्स हैं यहाँ पे तो स्टूडेंट्स हुआ कैरिंग द ओ बी सी कैटेगरी ओ बी सी के लिए मैक्सिमम ऐसे कॉलेज हैं जो जनरल में ही काउंट होते हैं बट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ओ बी सी के लिए आपके पास सेवेंटी सीट्स हैं बहुत ज्यादा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है ईडब्लूस के लिए ट्वेंटी फाइव सीट्स पी और बाकी फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन आपके पास दिए हुए हैं जो आपके पास वैसे ही आपको दिख जाएंगे बट अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हैं तो आपको एक सौ एक सीट्स मिलती हैं यहाँ पे जो आप एप्लीकेशन में आ, के लिए कंसिडर कर सकते हैं इट जस्ट नॉट बैड नंबर सारे कॉलेजेस में अच्छे कॉलेज में बताऊँ टू फिफ्टी ही और सीट्स होती हैं फिफ्टी परसेंटेज रिजर्वेशन फिफ्टी परसेंटेज़ फॉर ओपन कैटेगरी और आप आराम से मतलब अगर मैं ऐसे भी यहां पे स्टूडेंट्स हैं जिनको 99.9 पे भी टॉप आई एम्स की कॉल नहीं आई हुई है लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो जहाँ पे इजीली एफ एम एस में इनकी कॉल कन्वर्ट भी हो जाती है रीजन इज सिंपल इनका जो फाइनल वेल्टेज है जो कैट एग्जाम के लिए दिया जाएगा वो बहुत हाई है वे फिफ्टी परसेंटेज बाकी आई एम्स में धीरे धीरे करके और कम हो जाएगी आई एम इंदौर तो वहां तो बीस परसेंटेज ही है क्लियर

अगर uh, जिसको मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन करना है वही जाए फाइनेंस वाले नहीं जाए नो डाउट अप अगर आप सेक्टर वाइज भी देखोगे सेल्स मार्केटिंग के लिए टॉप नेम्स कैन कॉल इट एज भले वो स्टार्टअप स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो अदानी बैजूस एन अकेडमी टाटा स्टील सारे के सारे अमेजोन देर प्लेसमेंट्स इफ यू टॉक अबाउट ई कॉमर्स आई टी ऑपरेशन

बहुत ही कम ऐसे हैं जहां पर आपके पास 30 लाख के भी ऊपर का प्लेसमेंट मिलता है एवरेज तो ये FMS भी एक ऐसा कॉलेज बन चुका है मतलब स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एवरेज प्लेसमेंट 54.5 फोर पॉइंट फाइव लैक्स है टॉप परसेंटेज हर चार में से एक ऐसा है जिसको 50 लाख की जॉब लग रही है

To टू बी एस वन ऑफ दोज वेर यू कैन अप्लाई फॉर ऑल द स्पेशन बी operations or your finance or, or your sales marketing or और management. Everything is going to be available here. सौ में से 170 सेवेंटी तो ऐसे लोग हैं जो फ्रेशर्स हैं और जिनको तो बारह महीने से भी कम का एक्सपीरियंस है 110 को जीरो मंथ का एक्सपीरियंस 51 को जीरो से बारह महीने का एक्सपीरियंस तो आधी से आदा बैचों मेरे पास ऐसी जिसमें फ्रेशर अकाउंट कर सकता हूँ और यही वो फ्रेशर्स हैं जिनको ऐसे 40-50 लाख की जॉब लग रही है

सो कीप ऑन नोटिफिकेशन टैप ऑन नोटिफिकेशन समस्ट सेप्टेम्बर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एफ एम एस डेट से आउट एप्लीकेशन डेट से तो वहाँ से फॉलो करो अपने मैंटो से मिलो अपना एस ओ पी रिव्यू कराओ एंड देन प्लीज 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 मेक श्योर देट यू आर नॉट टेकिंग दिस कॉलेज वेरी मच लाइटली बिकॉज दिस इज वन ऑफर दोस्त ड्रीमिंग कॉलेज विच पीपल ऑल बे सेव फॉर इन टर्म्स ऑफ आर ओ आई ऑल्सो ऑन एवरेज सेमेस्टर फीस यहाँ पे एक सेमेस्टर की फीस ऑलमोस्ट फिफ्टी थाउजेंड के आस पास है उससे भी कम है दो लाख से कम में आपका एम हो जाएगा पचास पचास लाख की जॉब लग रही है यहाँ पे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर हैपनिंग इन यू लाइफ ऑन द स्टेज क्लियर सो डो नॉट टेक दिस कॉलेज और प्रिपरेशन प्लान कैट वेरी लाइटली नॉन सीरियसली गिव इट विद द बेस्ट पॉसिबल शॉट एंड आई सी मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वीडियो विल बी मोटिवेटेड इनफ टू अपलाई फॉर एफ एम एस इफ यू हैव कॉट एनिंग स्पेसिफिक क्वेश्चन फील फ्यू टू गेट इन टच ऑन द डिजायर लिंक विच यू कैन सी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज पुट यूर कॉमेंट्स ऑन द Uh, chat box also so that we can answer those queries also.